इसके जो टूल है, इसके जो पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट जो अफगानिस्तान से राजा मान सिंह लेके आए थे टूल तोप के कारखाने के, वो सारे टूल अंदर है जिससे तोपें बनाई जाती थी। वो रियल टूल, जो ओरिजिनल टूल है, वो आपको दिखाएंगे। देखिए, जो कारखाने में जो यूज़ होते थे, जो ड्रिल मशीन में यूज होता ड्रिल करने के लिए, देखो लंबी लंबी लोहे की रोड़े बनी हुई है, पतली भी है, मोटी भी है, लंबी है, जैसा जितना बड़ा बैरल होता था, जितना मोटा बैरल होता उसके अकॉर्डिंग वो रोड़ होती थी। और फिर इसके मुँह पे देखिए, जो सामने काटने के लिए कटर लगा रखा है, ड्रिल लगा रखा है, ये कटर होते थे, अलग अलग साइज़ के कटर। देखिए, छोटा होल करना हो तो छोटा, बड़ा करना हो तो बड़ा, ये कटर है जिससे ये इस गर्म लोहे को, गर्म आठ धातु के बैरल को काटने के लिए काम आता था। और ये धीरे धीरे घूमने से उसमें होल बन जाता था। इस तरह से ये रोड और कटर यूज़ करते थे, ड्रिल्स यूज़ करते थे। और इसके जो नट बोल्ट बनाने की मशीनें हैं, नट बोल्ट बनाने की जो डाइज है वो भी आगे हैं, वो दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये तोप के कारखाने का वो पार्ट है जहाँ पे जो सिद्धहत कारीगर थे, जो ट्रेंड कारीगर थे, उनको यहाँ पे रखते थे और उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। उनके घर वालों के हर तरह का इंतजाम किया जाता था। यहाँ पे कारखाने का जो हेड होता था यहाँ पे बैठता था, यहाँ पे उनका बेड होता था। और सामने जो हाथ के पंखे, उस समय पंखे लाइट नहीं होती थी, ये हाथ के पंखे, वो सीलिंग फैन है जो सीलिंग पे लगा होता, सर में खींचता था। यानी कारखाने का जो अधिकारी है वो यहीं पे रहता था, यहीं पे सोता था। कारखाने में काम करने वाले जो लोग हैं, वो कारीगर हैं, जो इंजीनियर है, वो यहीं पे रहते थे। उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, बिल्कुल परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस समय का एक तरह से ये बड़ा सीक्रेट रहने वाली चीज़ थी, ताकि ये जो उनकी टेक्नोलॉजी है दूसरे राजा के पास नहीं पहुँच जाए। इसलिए उनको यहीं पे उनका रहना है, खाना पीने का सबका प्रबंध किया जाता था। यहाँ तक कि शराब के बड़े बड़े बर्तन हैं, मैं दिखाऊंगा, जो चीनी मिट्टी के बने हुए शराब के बड़े बड़े बर्तन हैं जो यहाँ पे हैं। उनको शाम को काम करने के बाद जब वो थक जाते थे तो ये शराब के बड़े बड़े बर्तन में शराब होती थी, और शाम को उनको शराब पिलाई जाती थी ताकि वो लोग घर वालों को याद नहीं करें, बाहर नहीं जाए, ताकि इनकी जो टेक्नोलॉजी वो लीक नहीं हो और ये टेक्नोलॉजी इन तक ही बनी रहे, जो शराब के बड़े बड़े पात्र हैं। कुछ टूल ऐसे जो बड़ईगिरी के टूल थे, जो लकड़ी के जो काम करने वाले औजार हैं वो भी उधर हैं। ये कुछ नट बोल्ट बनाने के लिए, चूड़ी काटने के लिए औजार हैं, वो यहाँ पे। ये सारे टूल लगभग 400 साल पुराने हैं। 400 साल पहले इंडिया में तोपें नहीं बनती थी। तोप बनाने की टेक्नोलॉजी, बारूद जो है सबसे पहले दुनिया में चाइना ने ईजाद किया था, चाइना से चली है, चाइना के बाद में सऊदी अरब होते हुए अफगानिस्तान पहुँची, और अफगानिस्तान से राजा मानसिंह ने टेक्नोलॉजी यहाँ पे ली थी। 400 साल पहले जो टूल अफगानिस्तान से टूल लेके आए थे राजा मानसिंह, वो रियल 400 साल पुरानी टूल है, जो चूड़ी काटने के लिए, नट बोल्ट बनाने के टूल हैं, और वो लकड़ी के बड़ईगिरी के टूल हैं। और कुछ आगे बड़े बड़े रस्से हैं जो तोपों को, बड़े बड़ी तोपों को 32 बैलों से खींच के किले के दीवार पर चढ़ाया जाता था। वो रियल रस्से जो सूत के बने हुए, वो रियल रस्से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो रियल रस्से, जो मोटे मोटे रस्से हैं, वो देखिए सामने, आपके सामने हैं। ये बड़े बड़े रस्से काफ़ी पुराने हैं, लगभग कम से कम 100 साल पुराने रस्से हैं ये सूत के बने हुए, और इतने मोटे हैं कि 32 बेलों से खींचने के बाद भी ये रस्से टूटते नहीं थे। सेकंड बिगेस्ट बजरंग बाण जैसी बड़ी तोपों को किले के बुर्जों से पे इन्हीं रस्सों से खींच के चढ़ाया जाता था। और कुछ टूल ऐसे हैं सामने जो नट बोल्ट बनाने के टूल हैं, जो बोल्ट खोलने के, नट बनाने की चूड़ियाँ हैं। ये सारे टूल आज के नहीं हैं, ये टूल जो है अफगानिस्तान के हैं, रस्से 100 साल पुराने हैं। और देखिए, ये टूल जो बोल्ट बनाने के लिए डाई है, नट बनाने के लिए डाई है, ये सारे टूल है जो कारखाने में इस्तेमाल होते थे। कुछ चीज़ें यहाँ पे ये हैं, लकड़ी की सांगड़ियाँ हैं, तोप को घुमाने के लिए, जो घोड़ों से और बैलों से घुमाते थे, लकड़ी की सांगड़ियाँ हैं, जो ड्रिल मशीन को ड्रिल करने के लिए वो सांगड़ियाँ, लकड़ी की सांगड़ियाँ आपके सामने, इधर से दिखाओ, इधर से ये सामने देखिए, ये जो सांगड़ियाँ, इनको बेलों से घुमाते थे, ये क्रॉस टाइप में लगा के, और उसको ड्रिल मशीन को बेलों की बुल पावर से घुमाते थे। उस समय लाइट नहीं होती थी, तो वो ये घूमने के बाद नीचे रोड होती थी, वो घूमती थी, आगे पहिया होता था, वो घूमता था, आगे रोड और ड्रिल लगाते थे, उससे कटर से कटर लगाते थे, उसमें होल बनता था। तो ये पुराने टूल है सारे। और उस समय जो भट्टी में औजार इस्तेमाल करते थे, जब भट्टी में लगातार गर्म होने से कोयले के ऊपर राख आ जाती थी, आँच कम लगता था, धातु पिघलना बंद अगर हो जाता है, तो देखिए ये लंबे लंबे औजार है, भट्टी में जो कोयले पे राख आती थी उनको इनसे कुरेदा जाता था, उसको खींच के आगे पीछे करके उनको आग को तेज़ करने के लिए भट्टी के औजार लिखे हुए हैं। देखिए, उसको कुरेद के उसमें आँच तेज़ करने के लिए उसको खोदा जाता था। और ये कुछ बड़े बड़े मटके हैं पुराने, मटके तो सब जगह पहले आम बात ही, सब जगह कारखाने में सब जगह होते थे। ये पुराने मोल्ड हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, इनको मजबूत रखने के लिए साइड लोहे की वो पट्टियाँ लगा रखी है, उनमें तोपे बन चुकी है, तोप के मॉडल जो है बन चुका है इनसे।
सामने हम जा रहे हैं, यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आमेर का सबसे अच्छा बेस्ट व्यू है जो है यहाँ से दिखाई देगा आपको। यहाँ से पूरा आमेर महल दिखाई देगा, ये किले की दीवार है, पीछे उधर वो लक्ष्मी विलास महल और वो आराम मंदिर है, और यहाँ से आमेर का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। देखिए आमेर महल है जिसको आमेर फोर्ट बोलते हैं, आमेर शहर है, अम्बानेर जिसका नाम था।